हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से एक सवाल पूछा जा रहा था कि सर, हमें कोई ऐसी ट्रिक या फिर कोई ऐसा तरीका बताया जाए जिसे हम अपनी शख्सियत का टेस्ट कर सकें। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपका पर्सनैलिटी टेस्ट करूँगा। साइंसदानों की कई सालों की रिसर्च के बाद मुख्तलिफ इकसाम के पर्सनैलिटी टेस्ट मुतारफ करवाए गए हैं, जो कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मिलते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो टेस्ट मैं आपका लूंगा, उससे मैं एंड पर यह भी बताऊंगा कि आप कैसी शख्सियत और कैसी सोच के मालिक हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिल सके। दोस्तों, स्क्रीन पर जो तस्वीर नज़र आ रही है, इस पर मुख्तलिफ इकसाम की चाबियाँ बनी हुई हैं। कुछ चाबियों के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और कुछ चाबियों के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। आपने इनमें से कोई एक चाबी सेलेक्ट करनी है और उसके लिए आपको 10 सेकंड का वक़्त दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये चाबी आपकी शख्सियत के बारे में क्या बताती है और आप किस किस्म की सोच के मालिक हैं। तो दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने कोई ना कोई चाबी सिलेक्ट कर ली होगी। अब वक्त है कि मैं आपको बताऊं कि ये चाबी आपकी सोच और शख्सियत के बारे में क्या बताती है। नंबर एक, अगर आपने सबसे पहली चाबी को सिलेक्ट किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल चाबी है, बग़ैर किसी डिज़ाइन के, और इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये किसी भी दरवाजे को आराम से खोल सकती है, तो इसका मतलब है आप बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद, पुरअज़म और तजर्बाती इंसान हैं। लेकिन बाज़ औक़ात आप ख़ुद को कमज़ोर और नाजुक महसूस करते हैं। नंबर दो, अगर आपने ये चाबी सिलेक्ट की है, तो इस चाबी के बारे में कहा जाता है कि ये काबिले इत्माद चाबी किसी भी जादुई महल के दरवाजे को आराम से खोल सकती है। इसका मतलब है कि आप बहुत ही पुरकशिश इंसान हैं। आप अपनी लाइफ में किसी पर डिपेंड करना नहीं चाहते, आप आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और आप किसी भी किस्म के वादे में बाउंड नहीं होना चाहते। नंबर तीन, अगर आपने ये चाबी सिलेक्ट की है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने डिज़ाइन की वजह से बहुत ही ज़्यादा मुनफरद चाबी है और ये बहुत ही कम पाई जाने वाली चाबी है। इसका मतलब ये है कि आप खुद पर भरोसा करने वाले और पुरएतमाद इंसान हैं। आप अच्छा फैसला करने वाले और दिलचस्प आइडियाज़ रखने वाले इंसान हैं। आप किसी भी चीज़ पर बार बार नहीं सोचते, बस एक ही बार में फैसला कर लेते हैं। आपका अपनी लाइफ पर मुकम्मल कंट्रोल है। नंबर चार, अगर आपने ये चाबी सिलेक्ट की है, तो आपने नोट किया होगा कि ये चाबी एक चार पत्ते की शाखा जैसी दिखती है। इसका मतलब आप आराम पसंद इंसान हैं और आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक यानी पुर उम्मीद रहते हैं। आप मनफी चीज़ों से दूर रहते हैं और हमेशा मुस्बत सोच के कायल रहते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि हमेशा एहतियात से काम लें, क्योंकि ये पुर उम्मीदी आपको बाज़ औक़ात परेशान भी कर सकती है और आप अपने होश खो सकते हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी आप मुसीबत में फंस सकते हैं। नंबर पाँच, अगर आपने ये चाबी सिलेक्ट की है, तो आपने नोट किया होगा कि ये चाबी एक खुफिया और उलझे हुए डिज़ाइन में बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आप तख्लीकी सलाहियतों और एक साफ शफाफ सोच के मालिक हैं। हर चीज़ को पर्सनली लेते हैं और बाज़ औक़ात आपकी इस मुनफरद पर्सनैलिटी को ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते, जिस वजह से आप खुद को बाकियों से कम समझने लगते हैं और बाज़ दफ़ा आप खुद को गलत भी समझने लग जाते हैं। नंबर छः, अगर आपने ये आखिरी चाबी सिलेक्ट की है, इसका मतलब है कि आप अक्लमंद और अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर के मालिक हैं। आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन आपकी एक कमज़ोरी है, वो ये कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस करते हैं। आप बहुत ही ईमानदार इंसान हैं और आप बाकियों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपका टेस्ट लिया और आपके रिजल्ट्स बताए। अभी आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपने कौन सी चाबी सेलेक्ट की थी और जो कुछ मैंने आपके बारे में बताया, वो कितना परसेंट आपके बारे में ठीक था। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।